देखो भाई कैसा है, मैंने टिकट ली, मूवी देखी, घर आया और भूल गया। कोई फायदा है क्या ऐसी मूवीज का? कोई भी फायदा है क्या ऐसी मूवीज का? लेकिन आज की वीडियो का कंटेंट आपको सोने नहीं देगा। आपको लग रहा होगा 2023 में सिर्फ मास मसाला मूवीज ही बनी है, तो मेरी जान गलत हो तुम, और आपकी गलत फहमी दूर करेगी आज की ये लिस्ट जो मैंने ढूंढ के खोज के बनाई है आपके लिए। टॉप 5 ऐसी इंडियन मूवीज जिसे थिएटर में ना देखकर हमने बहुत बड़ा पाप किया, लेकिन हमसे बच के जाएंगी भी तो कहा, क्योंकि अभी OTT पर आ चुकी है। नंबर 5 पे शास्त्री वर्सेस शास्त्री। कुछ फैमिली ड्रामा बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग, लेकिन आपको सोचने के लिए मजबूर करती है। 7 साल का बच्चा जिसे ग्रैंड पेरेंट्स संभाल रहे हैं, पेरेंट्स उसके अपने अपने काम में बिजी है। पेरेंट्स जो बच्चों को लेकर USA जाना चाहते हैं, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं तुम संभाल नहीं पाओगे, बच्चे को हम संभालेंगे। और बस बात यहाँ बिगड़ जाती है, और इतनी बिगड़ जाती है कि कोर्ट केस हो जाता है, सिचुएशन और भी गंभीर हो जाती है। बॉलीवुड में छुपी हुई शास्त्री वर्सेस शास्त्री मूवी ने बहुत अच्छे से जनरेशन गैप को कवर किया है, हमारे और हमारे पेरेंट्स के बीच का, उसको एक्सपोज किया है। और ये देखने के बाद आपको रियलाइज होगा कि हाँ यार, मैं भी अपने मम्मी पापा से थोड़ा बहुत ऐसे ही बिहेव करता हूँ। और भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रैंड पेरेंट्स की ही साइड दिखाई है, प्रॉपर दोनों की साइड रखी है मूवी में। लेकिन सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग चीज है जब ये मैटर कोर्ट में चला जाता है कि बच्चा किसके पास रहेगा, तब थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। मूवी 2 घंटे 20 मिनट लंबी फील हो सकती है। IMDb 7 के साथ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल, फैमिली के साथ देख सकते हो। नंबर 4 पे है दादा। एक कपल की टीनेज लाइफ चल रही है, फुल मजे चल रहे हैं, लेकिन बच्चा पैदा हो गया, लेकिन दोनों भी बच्चे के लिए तैयार नहीं है। और अपना हीरो तो पूरा इरेस्पॉन्सिबल टपोरी और आवारा बंदा है, लेकिन लड़की पर जान निछावर और बहुत प्यार करता है उससे। तो ऐसी कच्ची उम्र में जहाँ रहने का टाइम नहीं, पढ़ाई पूरी हुई नहीं, और ये बच्चे संभालेंगे। 2023 में आई तमिल इंडस्ट्री की फैमिली रोमांस ड्रामा दादा। मूवी की सबसे अच्छी बात है इसका ग्राउंडेड और रियल रहना। कहीं से लॉटरी लग गई या कहीं से पैसे मिल गए, ये सब फिल्मी चीजें इसमें नहीं है। सब कुछ रॉ और रियल, छोटे से कमरे के अंदर अपनी पढ़ाई करते हुए कैसे ये बच्चा पैदा कर रहे हैं। और मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, बाय द वे, ये ट्रेलर के अंदर ही है, कोई स्पॉइलर नहीं है, बाप अकेला पहले दिन से बच्चे को बड़ा करेगा, हर कोई अपने हाथ खड़े कर देता है। कुछ कुछ सीन में थोड़ा इलॉजिकल भी लगता है। 2 घंटे 30 मिनट लंबी मूवी है, एकदम ग्राउंडेड और रियल। IMDb 8.1 के साथ प्राइम वीडियो पर अच्छी हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। फैमिली के साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है देखने के लिए, लेकिन दिल से कह रहा हूँ भाई मूवी एक बार जरूर ट्राई करना। नंबर 3 की मूवी, भाई साहब मैं अभी तक हैरान हूँ इसे देखकर। हर मंगलवार को इस गांव में मर्डर हो रहा है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। अब गांव वालों का डर ये है कि हर मंगलवार को ही क्यों मर्डर होता है, और अजीब अजीब घटनाएं, अलग अलग फैंटेसी, काला जादू, हो क्या रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुबह उठकर किसकी मौत होगी ये सोचकर ही कलेजा काटता है। 2023 में आई तेलुगु इंडस्ट्री की मिस्ट्री थ्रिलर मंगलावरम। भाई मूवी तो पूरी सिनेमैटिक है, एक एक फ्रेम ऐसा लगता है इसको ऑस्कर में भेजो इसकी सिनेमाटोग्राफी के लिए, और ये चीज आपको पूरी मूवी खत्म होने तक बांध के रखेगी। और भाई मूवी बहुत ज्यादा अडल्ट है, न्यूडिटी हो, सेक्सुअल कंटेंट हो, या फिर ब्रूटल सीन्स हो, पूरा निचोड़ के दिखाया है इसमें, एकदम हाई लेवल पे। 2 घंटे 25 मिनट की मूवी है, लंबी तब लगेगी जब सीरियस मुद्दा चल रहा होता है, तभी इनको बीच में रोमांस करना होता है, कॉमेडी करनी होती है। स्पेशली मूवी सस्पेंस थ्रिलर की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइड है। Disney+ Hotstar पर हिंदी डब में अवेलेबल है। नंबर 2 पे है जोरम। भाई मेरी फट चुकी थी ये मूवी देखते वक्त, क्योंकि मूवी सभी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही 2023 का बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड फॉर क्रिटिक्स नहीं जीता इसने। इस वीडियो की सबसे बढ़िया मूवी मुझे यही लगी। ऐसा लगा ही नहीं मैं कोई मूवी देख रहा हूँ, लगा ऐसे कि कोई रियल स्टोरी मेरे आंखों के सामने चल रही है। और इसका पूरा क्रेडिट मनोज बाजपेयी सर को जाता है। क्या एक्टिंग, क्या परफॉर्मेंस दी है भाई साहब, मेरे हिसाब से बाजपेयी सर की आज तक की सबसे बेस्ट मूवी है ये। गाँव से शहर आया लिवर का परिवार, माँ को मार दिया, बच्चा 3 महीने का है, बच्चे को लेकर मनोज बाजपेयी सर भाग चुके हैं, पुलिस प्रशासन नेता सब इसके पीछे पड़े हैं कि इसको जहादी के डायरेक्ट शूट, गोली मारो और खत्म करो। मूवी इतनी रियल है, खास करके वो ट्रेन वाला सीन, आपको मनोज बाजपेयी के लिए और बच्चे के लिए इतना बुरा फील होता है भाई, अब क्या ही होगा इनके साथ, मेरे मुंह से ज्यादा कुछ निकल जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। 2023 में आई बॉलीवुड के एक्शन थ्रिलर जोरम। खास करके मूवी उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जिनको बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ हीरो के एक्शन एंट्री पसंद है, जिसको हर 2 मिनट के बाद किक चाहिए, ट्विस्ट एंड टर्न चाहिए, रोमांस चाहिए। इन शॉर्ट मूवी मास मसाला बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी स्लो है, लेकिन एक बार नहीं बार बार देखो की गारंटी मैं लेता हूँ। मूवी में कोई भी अडल्ट सीन नहीं है, लेकिन डिस्टर्बिंग सीन जरूर है। IMDb रेटिंग 6.7 के साथ प्राइम वीडियो पर हिंदी में अवेलेबल और मस्ट वॉच है। भाई शाहरुख खान के बाद कोई रोमांस किंग बनेगा तो ये बंदा बनेगा, रक्षित शेट्टी। साउथ इंडियन मूवीज में रोमांस का गॉड बन चुका है भाई ये बंदा। मैं जिस मूवी की बात कर रहा हूँ उसके 2 पार्ट्स है। अगर कंपैरिजन करके बताओ तो आपने बाहुबली पार्ट 1 देखी होगी, वो आपको 8 या 9 out of 10 लग सकती है। उसके बाद आपने बाहुबली पार्ट 2 देखी, कंफर्म बता रहा हूँ आधे से ज्यादा भारत के लोगों को बाहुबली 2 100 out of 10 लगी होगी। उसके बाद आती है भाई ये मूवी, फर्स्ट पार्ट से 100 गुना अच्छी। 2023 में आई कन्नड़ इंडस्ट्री के रोमांस ड्रामा सप्तसागरा दाचे येलो साइड भी। इसका रोमांस पार्ट मेरी रूह तक मैं रोक, भाई मैं मूवी देखते वक्त
रोता ही नहीं। आज तक गिन चुन के एकाध बार रोया हूँ और कसम से सच बोल रहा हूँ। और वैसे भी आजकल ऐसी रोमांस लव स्टोरी मूवीज बनती भी नहीं कि रोना है, लेकिन भाई इस मूवी का रोमांस जिस तरह मनु प्रिया के लिए छोटी छोटी चीजें करता है उसकी लाइफ और सिंपल बनाने के लिए, क्योंकि उससे इतना बहुत ज्यादा प्यार करता है जिसकी कोई सीमा नहीं। अब इस मूवी में एक और लड़की है जो उसके तरफ से भी एकदम ऑनेस्ट है। मुझे लगता था कि साउथ की अब तक की सबसे बेस्ट लव स्टोरी मूवीज कैटेगरी में 96 टॉप पे है, लेकिन इस मूवी ने उसको भी पीछे छोड़ दिया। आपको लग रहा होगा मैं लंबी दे रहा हूँ, लेकिन नहीं भाई, ये मूवी साइड भी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। मतलब इस मूवी के सामने दुनिया की कोई भी रोमांटिक मूवी पानी भरेगी। मतलब इतना अब मैं कैसे बताऊँ यार, ये मूवी दिल है भाई। इसकी जैसी मूवी ना अभी तक बनी है ना अगले कई सालों तक बन पाएगी। पहले आप इसका पार्ट वन पार्ट टू देखो और फिर कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं फेंक रहा था या सच कह रहा था। काम धंधा सब छोड़ छाड़ के अपनी बीवी गर्लफ्रेंड के साथ जिससे तुम प्यार करते हो इसको देखो उसके साथ। IMDb 8.3 के साथ प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है, हिंदी में नहीं लेकिन इंग्लिश सबटाइटल है। ऐसे ही टॉप 5 टॉप 10 वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो ताकि वीडियो आते ही आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।